क्यों ले रहे हैं कैमरा? कैमरा ले रहे नहीं लेना, नहीं लेना कैमरा, लेना आप मुझे डेट पे लेके आए हो और कैमरा लेने के बहाने मतलब हाथ में आया तो देख के ना मतलब क्लैरिटी आ रही है, दीदी और सुंदर लग रही है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशित सहगल एंड यू आर वाचिंग बीइंग सहगल। दोस्तों अभी मैं हूँ दिल्ली की सड़कों पे, मेरी वाइफ जस्ट अभी बाहर गई है तो मैं उसके पीछे से वीडियो बना रहा हूँ कि उसको आज सरप्राइज देना है। मैं अभी जा रहा हूँ एक बहुत स्पेशल चीज लेने के लिए, कैमरा लेने के लिए, कैनन का। मैं पिछले एक सवा साल से वीडियोज बना रहा हूँ और अच्छी लग रही है वीडियोज, आप भी लाइक कर रहे हो, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को। बट अभी तक मैं फोन से या गोप्रो से वीडियो बनाता था, तो अभी मैं एक अपनी इन्वेंट्री ना अपग्रेड करने की सोच रहा था बहुत टाइम से, एक प्रोफेशनल कैमरा लेने के लिए। कि मेहनत भी लगती है वीडियो बनाने में भी, एडिट करने में भी, सारी चीज़ों में, अब साथ में प्रोफेशनल कैमरा होना तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो काफ़ी टाइम से पैसे जोड़ रहा था कि पैसे जोड़ के एक अच्छा सा कैमरा लिया जाए, तो आज मेरे को बना मूड कि मैं लेके आऊँ जाके, तो वही लेने जा रहा था। पर वाइफ को अभी तक बताया नहीं है मैंने, बस ले लिया साथ में कि चलते हैं कुछ करने। तो अभी मैं जा रहा हूँ कनॉट प्लेस, वहां से हम कैमरा लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है। तो आप भी, मैं अपलोड करूंगा तो आप भी बताना मेरे को कि ये वर्थ है कि नहीं है, इसमें डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या लग रहा है। जी मैडम, आ गए? कहाँ चलना बताओ, कहाँ चलना? सीपी चले, सीपी चले, इस टाइम कहाँ पे, किसके पास है? कुछ काम था थोड़ा सा वहाँ पे, आपको एक चीज खिलाता हूँ बढ़िया सी। आप चलो चलो चलो। सीपी पहुंच गए मैडम, क्या करना है? वैसे तो आज ये मेरा बनवानी है वीडियो, पता नहीं क्यों बनाए जा रहे हो। मुझे आ रही है सरप्राइज आपके लिए। क्या बात है, हम पीछे जा रहे हैं वहाँ पे दास स्टूडियो में कैमरा लेने। बताया था मैंने आपको ना? नहीं, नहीं बताया। अब हम देखते हैं कैमरा कैसा है। नहीं, हम कैमरा लेने नहीं आए, क्यों ले रहे हैं कैमरा? कैमरा ले रहे हैं, कैमरा ले रहे हैं, कैनन का कैमरा बहुत अच्छा है। नहीं लेना, नहीं लेना कैमरा, लेना आप मुझे डेट पे लेके आए हो और कैमरा लेने के बहाने हम सीखे आए हैं, खाएंगे पियेंगे इसके बाद। चलो कैमरा ले लें, है ना? चलो झूठ नहीं बताया मैंने आपको, बताया नहीं, सरप्राइज था। ये सरप्राइज मुझे, ये सरप्राइज ही, कैसा सरप्राइज है? तो मैं कैनन R10 सोच रहा था, तो मेरे को कैमरा के बारे में थोड़ा बताएं और कैसा है, क्या है, थोड़ा वो बताएं। काफी बेटर निकाला है ये, अभी लेटेस्ट मॉडल है ये। अच्छा, इसमें आपका वही है 24 मेगापिक्सल की शॉट है। उसी के लिए चाहिए मेरे को। ये देखिए सर, इसमें कैनन ने जिस तरह से सीज दिया, पैकिंग इसका काफी जबरदस्त है। ये हो गया आपका मैनुअल, हो गया इसको आराम से पढ़ेंगे जी, ये वारंटी कार्ड हो गया, और ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे आपको व्हाट्सएप और भी मतलब कई सारा प्रोग्राम चलता है कैनन का। ओके, तो आपको मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू। स्ट्रैप हो गया, स्ट्रैप हो गया, चार्जर हो गया, चार्जर हो गया, वन बैटरी हो गया, और ये आपका पावर पावर केबल हो गया चार्जिंग के लिए। अभी हम कैमरा निकालने जा रहे हैं R10 जो लेटेस्ट मॉडल है। कैमरा है काफ़ी, इसका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रिप भी काफ़ी बेटर किया है, और ये इसमें एक्स्ट्रा में माइक लग जाता है यहाँ पे, जैसे आप लोग ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो यहाँ पे आप माइक लगा सकते हैं। इसमें सी टाइप दे दिया नया, पहले तो नॉर्मल USB आता था, अभी सी टाइप आने लगा है। माइक के लिए तो 3.5 mm होगा। ये 3.5 जी जी, ठीक है। ये तो होता है उसके लिए, रिमोट के लिए होता है, जैसे आपने ट्रेल, नाइट ट्रेल जो शूट करते हैं उसके लिए एक वायर वाले आते हैं। ओके, बट आप माइक के लिए पोर्ट हो गया 3.5 मिल जाएगा। इसकी ग्रिप देखिए आप ना, ये वेरिएंगल डिस्प्ले है, इसका एडवांटेज तो मालूम होगा, हाई एंगल, लो एंगल, फोटो, वीडियो, ये सब होगा। ये व्यू फाइंडर हो गया, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक्स व्यू फाइंडर है, ये देखिए इसको मिल जाता है।
बिल भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे कैमरे में करके। ये इसका लेंस है सर, 18 कितने एमएम है, 18 से 105। अच्छा ये लेंस होता है, मैं वही सोचती हूं कि बड़े बड़े आगे क्या लगे होते हैं, तो हां ये लेंस ही होता है। अच्छा वो लेंस होते हैं, अच्छा सिंपल एडिट डॉग। ओके सर, एक डॉग मैच करना और ये क्लॉक बेस। कि बैटरी परफॉर्मेंस कितना टाइम चल जाती है वैसे? ये आराम से चल जाएगा इसमें, फोटो में तो आपको 500 करीब फोटो ले लेगा। और वीडियो टाइम? वीडियो के लिए आपको 1.5 घंटे चल जाएगा सर, 1 से 1.5 घंटे। अच्छा, एक्स्ट्रा अगर मेमोरी कार्ड चाहिए तो वो ले सकते हो, ऐसे ही चला जाएगा। 128 का रहता है, 256 का सही रहेगा इसमें? सभी सभी आ जाएगा। इमेज क्वालिटी देखिए, यहाँ पे डिटेल देखने के लिए अगर मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ, मतलब ये आपको डिटेल वैसे ही नेचुरल ही आएगा। सही खास, और ये इसका खासियत है कि आप मोबाइल में भी इम्यूनिटी नहीं, मैं पूछना चाह रही थी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे लेगा। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी कैमरा मुझे कुछ भी निकलना, क्या मैं खुद एक एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, और लेंस बड़ा होता है उसमें, लेंस ही बड़ा होता है, कैमरा इतना ही होता है, कैमरा बॉडी यही होती है। इसमें भी लगा सकते हो वो वाले लेंस, इसमें भी लगा सकते हो। अच्छा, मुझे तो इसमें आपको फाउंडेशन नहीं है कि यही लेंस लगाना है, इसमें भी लगा। अभी तक जो फर्स्ट इंप्रेशन आया ना, मज़ा आ गया मुझे कैमरा की। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी प्रोफेशनल कैमरा कैसे होते, बस यही पता है इसको ऐसे पकड़ के जूम हो जाता है, इतना उनका होता है, फोकल लेंथ होती है, ये पता था मोटा मोटा कुछ कुछ होता है। बट अभी हाथ में आया तो देख के ना, मतलब क्लैरिटी आ रही है, दीदी और सुंदर लग रही है इसमें। तो अच्छा लग रहा है, तभी जब यूज़ करते हैं थोड़ा समझते हैं इसके क्या वो है। भैया ने भी थोड़े थोड़े फीचर्स तो बताए हैं मेरे को, बाकी इसको आराम से तसल्ली बख्श समझना पड़ेगा कि R10 मॉडल है ये, शायद बिगिनियर लेवल से एक लेवल प्लस है, थोड़ा सा प्रो लेवल में आ जाता है। इसके ऊपर और कैमरा आते हैं, फुल फ्रेम कैमराज आते हैं, मिररलेस कैमरा, इसको अच्छे से जाके समझते हैं, फिर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे हम अच्छी से इसकी, क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हो सकता है। बाकी आने वाले ब्लॉग्स में कुछ आपको डिफरेंस लगे कि कैसा है, कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो बताइएगा। अभी हम चलते हैं, वीडियो में चूज करना है कुछ बाहर से और लेके देना। थैंक यू भैया, थैंक यू।